अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन तंदूरी की रेसिपी। ये हमने लेग पीस नहीं लिया है, ये हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में पीस को कटवा लिया है। हम इसके अंदर अब दो लीमू ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर दो लीमू ऐड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर लेमन को ऐड कर दिया था। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 5 टीस्पून ऐड करेंगे। तो हम इसके अंदर 4 से 5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिए हैं। हम इसे भी हम अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। जी हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर रहे हैं टेस्ट के अनुसार। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। तो ये हमने रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर दिया है। और ये तंदूरी मसाले का पूरा पैकेट इस तरीके से मिल जाए, हमारे इधर मिलता है रेडीमेड। ये आप देख सकते हैं मालेगांव मसाला, ये एक पैकेट हम इसके अंदर पूरा ऐड करेंगे। ये 1.5 kg चिकन है, इसलिए हम इसके अंदर पूरा एक पैकेट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर एक छोटी कटोरी में कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है हमने, वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर कर इसे 3 से 4 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो फूड कलर ऐड कर सकते हो, वरना नहीं। पर हम इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने रेड फूड कलर ऐड किया है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। आप चाहे तो करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरा मसाला जो है हमारी पीसीस के अंदर अच्छी तरीके से भिन जाए। हम इस तरीके से इसके पूरी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे ढक कर इसे 3 से 4 आवर्स के लिए रेस्ट लेने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम इसे अब रख देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने चिकन को 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। ये हमारा 4 घंटा हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब मैं गैस के ऊपर कढ़ाई को रखकर उसमें ऑयल डाल के आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर जो मैरिनेट करके पीस रखे थे ना, वो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे। तो मैं इस तरीके से एक एक पीस उठाकर ऐड करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने चिकन को ऐड कर दिया है तेल में। अब हम इसे अच्छी तरीके से डीप फ्राई करेंगे। हमें इसे शैलो फ्राई नहीं करना है, हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो हम इसे मीडियम आंच में, धीमी धीमी आंच में अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। तब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। हम इसे धीरे धीरे अल्टी पल्टी कर कर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपने पूरे चिकन को फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे पीसेस को फ्राई करके निकाल लेना है। ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हुआ है। इसी तरीके से हम अपने सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी चिकन पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। हमें इसी तरीके से पूरी चिकन को क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करना है। इसे आप भी बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।